दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है कि इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना होगा। एक जौहरी के निधन के बाद उसका परिवार संकट में पड़ जाता है, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बड़े बेटे को एक सोने का हार देकर कहा कि बेटा, इसे अपने चाचा जी की दुकान पर ले जाओ और कहना कि इसे बेचकर कुछ रुपए दे दे। बेटा वह हार लेकर चाचा जी के पास गया तो चाचा जी ने हार को अच्छी तरह देखा, परखा और कहा कि बेटा, माँ से कहना कि अभी बाजार में भाव बहुत मंदा चल रहा है, तो थोड़ा रुक कर बेचेंगे तो अच्छा दाम मिल सकता है। और उसे थोड़े से पैसे देकर कहा कि बेटा, तुम कल से दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वह लड़का रोज दुकान पर आने जाने लगा और वहां सोने चांदी हीरे रत्नों का काम सीखने लगा। एक दिन वह बहुत बड़ा पारखी बन गया। पारखी बनने का मतलब सोने चांदी को परखने वाला। लोग दूर दूर से अपने सोने चांदी हीरे की परख कराने आने लगे। तो एक दिन चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से कहना कि वह हार दे दे और कहना कि अब बाजार बहुत तेज है, उसके अच्छा दाम मिल सकता है। जब माँ से हार लेकर उसने परखा तो पाया कि वह हार नकली है। वह घर पर ही उस हार को छोड़कर दुकान को लौट आया तो चाचा ने पूछा कि बेटा, हार नहीं लेकर आए? तो लड़के ने जवाब दिया, चाचा जी वह तो नकली था। तब चाचा ने कहा कि जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तब मैं उसे नकली बता देता, तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया है, तो चाचा हमारी चीजों को भी नकली बताने लगे हैं। और आज तुम्हें खुद ज्ञान हो गया है तो पता चल गया कि हार सचमुच ही नकली है। दोस्तों, सच यही है कि ज्ञान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं और जानते हैं, सब गलत है। और ऐसी ही गलतफहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जरा सी रंजिश पर न छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। तो दोस्तों, जिंदगी में खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनों के साथ रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।